विद अनदर गुड न्यूज फॉर द सीयूईटी एस्पिरेंट्स. देखो, मैंने पहले ही कहा था कि स्पॉट राउंड 2 होगा और वो हुआ, ठीक है. उसके बाद मैंने कहा था कि 8000 सीट्स जो वैकेंट है वो तो है ही, बच्चे विड्रॉ भी कर रहे हैं और हमने एस्टिमेट लगाया था कि 10000 से ज्यादा सीट्स बचेंगी, बट टू आर सरप्राइज 13,400 से भी ज्यादा सीट्स वेकेंट है. लाइक कैन यू बिलीव, स्पॉट राउंड 2 चल रहा है यहाँ पे और 13,000 से ज्यादा सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में बची हुई हैं. और कई सारी ना ऐसी सीट्स हैं, सिर्फ बेकार कोर्सेज बेकार कॉलेजेस की नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में टॉप की कोर्सेज की भी सीट्स बची हुई है. आई नो इक्की दुखी है बट स्टिल है यार. मैं आपको फॉर द कन्वीनियंस एक बार कैटेगरी वाइज भी बता देती हूँ. फॉर द जनरल कैटेगरी, जिसमें हद से ज्यादा कंपटीशन होता है, आप में तो सबसे ज्यादा सीट्स बची हुई है. 3,770 सीट्स जनरल कैटेगरी की बची हुई है. एंड ओबीसी की 1,982 सीट्स बची हुई है और एससी एसटी मिला के 3,600 समथिंग सीट्स बची हुई है. एंड फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1,287 सीट्स बची हुई है. ऑल्सो फॉर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 2,767 सीट्स बची हुई है. ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 13,400 से ज्यादा सीट्स आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में बची हुई है, जो कि एक बहुत ह्यूज नंबर है यार. वैसे देखने में तो कम लग रहा है कि यार सिर्फ 13,000 सीट्स बची हुई है, बट दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर. कैन यू लाइक बिलीव, लास्ट टाइम मैंने बताया था ना लास्ट ईयर क्या हुआ था, 6,000 सीट्स तो स्पेशल स्पॉट राउंड 2 के बाद बची हुई थी. तो अगर अभी इतनी बची है और सो आगे जाके क्या पता और विड्रॉल हो, क्या हो क्या नहीं हो, तो हो सकता है कि स्पॉट राउंड 3 या स्पेशल स्पॉट राउंड हो. बट अभी देखो इस चीज का तो मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती अभी, क्योंकि देखते हैं ना कितने बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, उसी के बाद आई विल से कि होंगे या नहीं होंगे. तो अभी के लिए आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉलेज विद्या. तो इनकी वेबसाइट के बारे में मैंने अपने चैनल पे बहुत बार बात कर रखी है. सो बेसिकली दिस इज लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन. यहाँ पे आप जो भी टॉप यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज होती है ना उनके बारे में जान सकते हो, जो भी वो ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं उनके बारे में. प्लस ना आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे. लाइक आप ये देख सकते हो फी स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, लाइक प्रॉपर आप कंपेयर कर पाओगे, ताकि आपके जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी है और उसमें जो भी आपके लिए फीजिबल कोर्स है आप वो चूज कर सको, ठीक है. ऑल्सो फॉर द प्रॉपर गाइडेंस ये आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग, ठीक है. ऑल्सो आपको भी पता है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है वैसे वैसे ऑनलाइन स्कैम्स एंड फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं. तो कॉलेज विद्या ना आपको ये सारी फेक वेबसाइट्स जो बना देते हैं यूनिवर्सिटीज के एंड एवरीथिंग, उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. तो कॉलेज विद्या के थ्रू आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी को चेक करो और जो भी आपका फीजिबल कोर्स है ना उसको अच्छे से कंपेयर करके प्रॉपर काउंसलिंग लेके अपना प्रॉपर कोर्स सेलेक्ट कर लो. एंड नॉट जस्ट दैट, ये आपको प्रोवाइड करेंगे लाइक डेडिकेटेड काउंसलर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ योर एडमिशन टिल योर प्लेसमेंट, ठीक है. तो आपके साथ ये बने रहेंगे. ऑल्सो देखो कई बच्चे हैं जो लाइक फाइनेंशियली सपोर्ट लाइक उतना नहीं होता उनके पास, तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं ईएमआई ऑप्शन, ताकि आपके पास अचानक से कोई फाइनेंशियल टोल ना आ जाए कि आपको अचानक से इतने सारे पेमेंट करनी है. सो इट्स नॉट लाइक दैट, ये आपको ईएमआई ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, विच आई पर्सनली थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर, ठीक है. तो काइंडली चेक आउट देयर वेबसाइट, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे दूंगी. ऑल्सो आई विल पिन इट इन द कमेंट्स एज वेल. काइंडली चेक आउट एंड या लेट्स प्रोसीड फर्दर. आप लोग तो अलग अलग टाइप की मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हो कि अप्लाई कर कौन कौन सकता है, कि जो रिजेक्ट हो गया था वो कर सकता है, जो स्पॉट राउंड में रिजेक्ट हुआ था वो कर सकता है, जो स्टार्टिंग में रिजेक्ट हो गया था वो कर सकता है, जिससे विड्रॉ ले लिया, जिसने स्पॉट राउंड 1 के बाद विड्रॉ ले लिया, कौन कौन एलिजिबल है. सिंपल बताती हूँ, ठीक है. ये मैंने आपको स्पॉट राउंड 1 के टाइम पे भी बताया था. अपना जाके ना डैशबोर्ड चेक करो, ठीक है. एवरीबडी हैज टू डू दैट. मेरे कमेंट में आके मुझसे सिंपली पूछने से बेटर है अपना एक बार डैशबोर्ड जाके चेक करो. वहां पे अगर दिखा रहे हैं ना कि अप्लाई कर देना है या स्पॉट राउंड डू समथिंग लाइक दैट, तो आप एलिजिबल हो, काइंडली अप्लाई. उसके बाद आपको प्रेफरेंस फिलिंग का दिखा रहा होगा कि आप इतने इतने कोर्सेज इतने इतने कॉलेजेस के कॉम्बिनेशन को फिल कर सकते हो, तो करो, ठीक है. और ज्यादा से ज्यादा फिल करो. अब मैं आपको एक चीज थोड़ी सी गुड न्यूज बताना चाहती हूँ बिफोर यू नो आगे बताना, कि वेंकटेश्वरा जो कॉलेज है ना, जो लाइक लिटरली SRCC है ऑफ द साउथ कैंपस, उसमें बीकॉम ऑनर्स की एक सीट बची है और बीकॉम की 5, ठीक है. अब सोचो कौन होगा वो लकी इंसान जिसको लाइक बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा वेंकी कॉलेज में इतने कम मार्क्स आने के बाद भी. लाइक दिस इज द ब्यूटी, ऑल्सो आई कैन से लाइक ब्यूटी भी है कॉन्सिक्वेंस भी है ऑफ द स्पॉट राउंड. लाइक कुछ भी होता है यहाँ पे, कोई बच्चा जिसके इतने कम मार्क्स आए उसको भी जाके वेंकी मिल जाएगा. लाइक उससे ज्यादा मार्क्स वालों को थर्ड राउंड तक थोड़ा नीचे का कॉलेज मिला है, वही इसके इतने कम मार्क्स के बाद उसको वेंकी मिल गया लाइक लिटरली. और वो एक इकलौता ही बच्चा होगा जनरल कैटेगरी का, ठीक है. और जो बीकॉम की 5 है, तो यही ना कॉन्सिक्वेंस भी हो जाता है कि लाइक कुछ भी मिल जाएगा उठ के. किसी के जिसके अच्छे मार्क्स हुए हैं उसको कुछ भी मिल गया, किसी के कम मार्क्स आए जस्ट बिकॉज ऑफ द फेट उसको ऊपर का कॉलेज ऊपर की कॉम्बिनेशन मिल गया. वही है,
बस यही कॉन्सिक्वेंस एंड ब्यूटी ऑफ द स्पॉट राउंड है, मैं बहुत बार बोल दिया बट ठीक है। ऑल्सो जरा वेकेंट लिस्ट को ना देख के फिल करना प्रॉपरली अपनी प्रेफरेंसेस, एंड लास्ट में प्रीव्यू पे चेक कर लेना कि आपने लिस्ट सही से बनाई है, कहीं उल्टी तो नहीं हो गई है आपकी लिस्ट, ठीक है। उसको चेक करके देन फाइनली सबमिट कर देना, देन ओनली फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो बस मुझे आज यही बताना था कि इतनी सारी सीट्स आपकी वेकेंट है, तो टेंशन मत लो, काफी सारे बच्चों को मिलेगा एडमिशन एंड काफी सारे विड्रॉ और भी करेंगे। सो या आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं और आप लोग मिस आउट कर देते हो, ठीक है। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। ऑल्सो कॉमेंट समथिंग क्यूट क्यूट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाई।